अभी जल्दी से डिवाइस की फिटिंग जो वो अभी हम कर लेते हैं, तो साथ ही 10F3 जो है वो यूज़ करवाएंगे रोटर, और डिवाइस की फिटिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। पोल के ऊपर लगाते हैं जी, तो फाइनली डिवाइस को पोल के ऊपर भी हम लगा दिए, इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज हम एक और इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो करने आए हैं। उखाड़ा से डिस्टेंस तकरीबन है जी कोई 4 से 5 किलोमीटर का, और ये साथ ही गांव है जी 30 2R है, और यहाँ पर हमने ये कनेक्शन करना है। तो लाइट भी M5 Gen 2 जो है वो यूज़ करवाने जा रहे हैं, और इनका जो पैकेज प्लान है वो 25 MB का है। और अभी जो इंस्टॉलेशन है वो करके जब आपको स्पीड जो चेक करवाएंगे, तो यहाँ पर ये देखें तो इस साइड पे यहाँ पर कोई किसी किस्म की जो इंटरनेट की सर्विसेज है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम जो वो फिर वायरलेस कनेक्शन जो है वो लगाकर इनको कवर जो है वो देते हैं। लाइट भी में Gen 2 की जो अभी मार्केट के अंदर प्राइस जा रही है वो 23,000 है, और जो अपना इसका 10F3 है ये 3,200 का है। तो अभी यहाँ पर इसकी फिटिंग जब हम कर रहे हैं, तो फिटिंग करने के बाद आपको जब एंड पर स्पीड है वो भी चेक करवाएंगे। तो फिलहाल जो इसको पाइप के ऊपर लगाएंगे तो 20 फुट की पाइप की लेंथ है और 15 फुट जो है वो बिल्डिंग की हाइट है। तो इसको हम यूज़ करवाएंगे, तकरीबन कोई 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बाद में जब आपको कनेक्टिविटी है वो भी चेक करवाएँगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, डिवाइस की फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको जो है वो छत के ऊपर लेके चलते हैं और इसको पोल के ऊपर लगाते हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं जी छत के ऊपर, तो डिवाइस को पोल के ऊपर लगा दिया है और इसकी अलाइनमेंट जो है सीधी कर दी है हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, लाइट भी मेसी Gen 2 जो है वो इसलिए लगाई है कि मजीद अगर ये कोई डाटा इंक्रीज़ करते हैं, अगर फ़िलहाल इनका अगर पैकेज 10 MB या 15 MB का है, तो मज़ीद आगे जाओ जाकर ये अगर पैकेज चेंज करवाते हैं तो इनको कोई डिवाइस वगैरह जो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो फाइनली नीचे रूम के अंदर आ चुके हैं, डिवाइस को हमने यहाँ पर लगा दिया है 10F3 को, और डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमने कर दी है लाइट बीम की। तो AP के साथ कनेक्टेड हो चुका है, AP साइड पर जो डिवाइस लगी है वो लाइट AP AC सेक्टर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आपको स्पीड जो है वो भी चेक करवाते हैं। तो ये सिस्टम इसलिए लगाया है कि जहाँ पर वायर की कवरेज नहीं है वहाँ पर वायरलेस की कवरेज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर लागत जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन ये है कि वहाँ पर आपका इंटरनेट प्रॉपर स्टेबल और अच्छी सी स्पीड के साथ जो चलता है। Thank you.